ये हैट्रिक है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। तो हीरा मंडी अपनी तैयारियों पे थी, सब जगह चर्चा थी, हीरा मंडी का सेट लगा है फिल्म सिटी में, हीरा मंडी बन रही है। मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि शायद कोई फ़ोन आ जाए, शायद कुछ बात बन जाए। अभिनय जो है ना, जब तक धर्म है ना, कोई भी कला जब तक धर्म है तब तक वो कमाल है, जब वो धंधा बन जाती है ना तो खत्म हो जाती है। मैंने ज़िंदगी का पहला काम 6 जनवरी सन 1996 को किया था, 27 साल बीत गए। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा, आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। थैंक यू। हाय, दिस इज मेघना तिवारी, यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे एक्टर हैं जिन्होंने एक बार नहीं 3 बार संजय लीला सर के साथ काम किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनुज शर्मा जी की। सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। सर, कैसा लग रहा है एक नहीं दो नहीं तीसरी बार संजय सर के साथ काम करके? हाउ यू फील राइट नाउ? किसी को भी अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, और ये हैट्रिक है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े निर्देशक जिनके साथ काम करना, जिनसे मिलना, जिनको देखना सबका सपना है, उनके साथ मेरा ये तीसरा प्रोजेक्ट है। सर, हीरा मंडी की मैं बात करूं तो आपके कैरेक्टर ने लोगों का दिल जीत लिया, तो जस्ट टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर, कि ऐसा प्यार जो मिल रहा है आपको आपके कैरेक्टर की वजह से। हामिद मैं कर रहा हूँ उसमें, और देखिए एक चीज़ हमेशा होती, हम चाहे तो हामिद मोहसिन अली उनका नाम है, बहुत ही बेहतरीन किरदार है, और सच बताऊँ आप जब देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो देश की बातें करता है सिर्फ। सर, ऑलरेडी लोग इतना देख रहे हैं कि ये नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है ये सीरीज, और फिर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको एक कैरेक्टर कैसे मिला, इसके पहले भी आपने 3 बार काम किया है, तो वो कैरेक्टर कैसे मिले और इसका चयन आपके लिए कैसे किया गया? हाँ, ये बड़ी हैरानी की बात है, मतलब आप सब हैरान होंगे सुन के, और मैं तो उस समय हुआ था, तो पद्मावत के समय पे 2015 में मुझे फोन आया था, एक सीन का काम था, मैंने वो काम किया। उसके बाद गंगूबाई आई, गंगूबाई में भी एक सीन का काम था, मैंने वो हाँ काम भी किया, और मेरे लिए ये मुलाकात थी एक्चुअली, मुझे मिलना था संजय सर को, देखना था, उनसे बात करनी थी, तो इससे बढ़िया कोई तरीका था नहीं मेरे पास कि मैं उनके पास पहुंचूं, उनकी शूटिंग पे पहुंचूं, एक सीन करूं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, मैं 2005 में मुंबई आया था, उससे पहले मैंने दिल्ली में बहुत सारे सीरियल्स किए जो दिल्ली में बनते थे, डीडी मेट्रो, डीडी काशीर, और थिएटर किया। तो 2005 में मेरा दूसरा दिन था मुंबई में, और मैंने आकर के जुहू घूमने गया था मैं, तो मेरे किसी दोस्त ने बताया कि ये संजय लीला भंसाली जी का ऑफिस है, मैं फ़ोटो देने गया वहाँ। फ़ोटो पे उन दिनों हम फ़ोटो 24 घंटे साथ ही रखते थे, तो आजकल वो ज़माना नहीं है, तो फ़ोटो पे नंबर वगैरह लिखा मैंने, दे दिया। तो 2008 में एक फ़ोन आया मुझे वहाँ से कि आप ऑफिस आइए एक वाह फिल्म के लिए। मैं ऑफिस गया, वो फिल्म बाद में बनी नहीं, चिनाव गांधी उसका नाम था, लेकिन मैं हैरान था कि जब मैं संजय सर से पहली बार वहाँ मिला था 2008 में, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो कुर्ते पाजामे में एक बहुत साधारण व्यक्तित्व, उन्हें देख करके मैं प्रभावित हुआ, एकदम स्तब्ध रह गया कि इतने साधारण हैं ये और इतना अद्भुत सिनेमा बनाते हैं। उनके सामने बैठा, उसके बाद दूसरा वाक्य ये हुआ कि जब मैं सामने बैठा तो टेबल पर वो फोटो रखा हुआ था जो मैंने 2005 में दिया था, ओह माय गॉड, और उन्होंने कहा कि ये आप हैं अनुज। मैंने कहा सर, तो फिल्म की बात हुई, उसका फोटोशूट हुआ, फिल्म बाद में बन नहीं पाई किसी वजह से। उसके बाद समय फिर बीता 2008 से 2015, फिर एक फ़ोन आया पद्मावत के लिए, एक सीन के लिए, वो मैंने किया जैसा मैंने बताया, फिर गंगूबाई की। तो मेरे लिए ये था कि मुझे संजय सर से मिलना है, और ये एक तरीका है मिलने का। वैसे तो हम इतने बड़े हैं नहीं कि जा कर के कभी भी उनसे मिल लें, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। आर्टिस्ट तो बड़े हैं आप ऐसे। हाँ, तो मुझे कमाल ये हो गया कि 2023 में, मतलब लास्ट ईयर, जब हीरा मंडी की बात चल रही थी, तो हीरा मंडी अपनी तैयारियों पे थी, सब जगह चर्चा थी, हीरा मंडी का सेट लगा है फिल्म सिटी में, हीरा मंडी बन रही है। मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि शायद कोई फ़ोन आ जाए, शायद कुछ बात बन जाए, क्योंकि ऐसा तो हम हैं नहीं और ऐसा होता भी नहीं है कि
कि हम इतने बड़े व्यक्ति को जो इतना सारा काम संभाले हुए हैं उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इस तरह के मैसेज करें, तो ये तहजीब भी होनी चाहिए हर एक के अंदर। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो कैसे संपर्क करें वो समझ में नहीं आ रहा था। तो अचानक से एक रात फ़ोन आया तो पूछा कि आप फ्री हैं, हम SLB से बोल रहे हैं। जी फ्री हूँ। बात हुई, ऑडिशन मंगवाया गया 10 मिनट के बाद, 10 मिनट में ऑडिशन भेजा, बताया गया कल से शूट है, कंफर्म करेंगे थोड़ी देर में। फिर मैंने फ़ोन किया, रात के 11 बज गए थे, कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो पता लगा कि आप रिजेक्ट हो गए हैं, आप ये किरदार नहीं कर पा रहे। मुझे अभी किरदार के बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे लग रहा है कि पहले हमेशा एक दिन का सीन किया मैंने, हो सकता है ये 2 दिन का हो सकता है 4 दिन का हो, कुछ अच्छा हो, तो ये ज़रूर मेरे मन में चल रहा था, लेकिन मेरा ऑडिशन रिजेक्ट हो गया। तो बड़ा अफसोस हुआ, सारी रात ऐसे ही बीती इस सोच में कि ऑडिशन रिजेक्ट हो गया। हालांकि मैं कभी दुखी होता नहीं हूँ किसी भी वजह से, चाहे कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, तो बस ये होता है कि जिस चीज़ के लिए आप बरसों से मेहनत कर रहे हैं यदि वो फेल हो जाए तो आपको थोड़ा सा लगता है। और दुख इस बात का था, काम छूटने का दुख नहीं था, काम इस बात का दुख था कि संजय सर से मिलने का एक मौका छूट गया। तो सुबह मैं उठा, मैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानता हूँ, उन्हीं से बातें करता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं वो, तो उनके सामने बैठा, मैंने एक बात उनसे कही ऐसी, आमतौर पर कभी मैं भगवान से मांगता नहीं हूँ, कुछ कहता भी नहीं हूँ, तो मैंने उनसे बोला कि 27 साल हो गए ज़िंदगी के एक ही लाइन में मेहनत करते 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 करते, मेरे सपने जैसे हैं वो तू जानता है, लेकिन औरों के सपने मुझसे जुड़े हुए हैं, तो सारी दुनिया में चमत्कार करता है, मेरी ज़िंदगी में कोई चमत्कार नहीं है। और आप यकीन मानना, मैं ये बात कर रहा था, एक फ़ोन आता है कि अनुज आप फ्री हैं, मैंने कहा हाँ, संजय सर आपसे मिलना चाहते हैं, आप फिल्म सिटी आ सकते हैं। मैं फिल्म सिटी जाता हूँ, मैं सेट पे पहुँचता हूँ, सर से मिलता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या बात होगी, कुछ नहीं पता है। और सारी यूनिट वहाँ पर खड़ी हुई है, सर की सारी टीम खड़ी हुई, और सर मुझे बोलते हैं कि कैसे हो अनुज, मुझे अच्छा लगता है उनके मुख से अपना नाम सुनना। मैं बोलता हूँ अच्छा हूँ सर, और सर पूरी टीम को बोलते हैं ही इज़ माई लक्की चार्म। ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। और उसके बाद उन वो किरदार के बारे में बताते कि एक किरदार है, आइए तैयार होके करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक ऑडिशन है जो मैं करने जा रहा हूँ, एक लुक टेस्ट है, क्योंकि वो रात को जो ऑडिशन भेजा है वो घर से भेजा है, और यहाँ पर क्योंकि पीरियड की बात हो रही है तो हो सकता है कि वो देखना चाहते हो कि मैं उस लुक में कैसा लगूँ। तो एक लंबा डायलॉग है, उसके लिए मुझे सर ने बोला 5 मिनट आपके पास हैं सेट पे पहुंचने के लिए। मैं रेडी होकर 5 मिनट में पहुंचता हूं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं कि 5 मिनट में 10-15 लाइनें कैसे याद करेगा ये, लेकिन ईश्वर की कृपा है, वो माँ सरस्वती की कृपा है। 5 मिनट में सेट पे पहुंचता हूं, परफॉर्म करता हूं, और उसके बाद जो है सर आते हैं, सर बोलते हैं कि आई लाइक इट, यही मैजिक आपका चाहिए था मुझे। और मुझे अब तक ये है कि मेरा ऑडिशन हो गया, लेकिन मुझे करीबन 3-4 घंटे के बाद ये पता लगता है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा ऑडिशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 4 घंटे बाद मुझे उनकी टीम से बताया जाता है कि हैट्रिक मुबारक हो। तो मैंने कहा कि क्या है, मैं ये शूट कर रहा था, बोले कि और क्या सर, आप शूट ही तो कर रहे थे। ओह माय गॉड, हामिद इस तरह से मुझे। तो मतलब आप गए हुए थे, मतलब नॉर्मल आपको लगा कि कास्टिंग के लिए बुलाया गया है, और फिर आपको डायरेक्टली रोल मिल गया और आपने वो एक्ट किया था। हाँ जी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके श्री कृष्ण ने वहाँ पे आपकी ऐसी हेल्प की कि डायरेक्टली फिल्म ही मिल गई आपको, मतलब आपके अनुज ने ऐसे, आपका नाम ही अनुज है तो वो भी आपके भाई जैसे ही है, अनुज का अर्थ ही भाई होता है तो। हाँ, लेकिन वो बड़े हैं तो मैं ये देखिए, ये मैं कह सकता हूँ नहीं कह सकता वो तो एक अलग बात है, पर ये सारी दुनिया जानती है, उसको जाने माने पहचाने ना पहचाने, कि जो हमारी सांसें भी चल रही है ना उसकी मर्जी से चल रही है, वही चल रहा है भीतर। क्योंकि ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में, हम सब ने देखा है, मेरे पिता जो है 2 साल पहले मुझे छोड़ के गए हैं, तो जब वो जा रहे थे ना तो हमारा पूरा परिवार साथ में खड़ा था, तो एक चीज़ मैं देख रहा था कि ये पूरा परिवार वो है जो उनसे बहुत मोहब्बत करता है, सारे रिश्तेदार वो हैं जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, जिनमें से कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं चाहता कि ये चले जाए, पर उनमें से कोई भी उनको रोक नहीं पाया।
तो इसका मतलब ये है कि वो जो है, जो सांसें हमारी चल रही है, वही तो कृष्ण है। तो हम ये माने ना माने कि जिंदगी में कुछ हो रहा है तो उनकी मर्जी से हो रहा है, ये तो हमारी अनभिज्ञता है। लेकिन सच ये है कि दुनिया में जहां भी जो कुछ भी हो रहा है, आप जिस भी धर्म से, जिस भी जाति से हैं, जहां से भी हैं, वो सब कुछ हो रहा है आपके ईश्वर की बदौलत, वही कर रहे हैं। क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आए उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बात तो सही कह रहे हैं आप। मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया हरियाणा से, मैं वो जानना चाहूँगी कि एक्टर तब से हरियाणा में थे तब से बनना था, या फिर जब आगे पढ़ते रहे फिर उसके बाद आपने सोचा कि एक्टर बनना है? बात है 1996 के आसपास की। okay. मैंने जिंदगी का पहला काम 6 जनवरी सन 1996 को किया था, आज 27 साल बीत गए। मेरे मामा जी जो हैं वो इस फील्ड में थे और अभी वो दुनिया में नहीं है, तो मैं उनके साथ एक शूटिंग देखने गया था छत्रपुर में, दिल्ली में शूटिंग चल रही थी। तो मैंने देखा कि एक एक्टर आता है तो उसके साथ कोई एक छतरी लेके आता है, कोई शीशा लेके आता है, कोई चाय लेके आता है उसकी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है यार, एक आदमी के पीछे 20 लोग लगे हुए हैं, तो इससे बढ़िया लाइफ तो किसी की होगी नहीं, ये तो एकदम राजा जैसी ज़िंदगी जीता है और 4 लाइनें बोलता है और चला जाता है। पर मुझे पता नहीं था कि वो 4 लाइनें बोलने के लिए कितना त्याग देना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है वहां तक पहुंचने के लिए। तो उस सपने ने तब जन्म लिया था। दूसरी ये बात थी कि मैं हमेशा, जब से मैं 17-18 साल का था, मैं हमेशा एक चीज़ सोचता आया हूँ कि मेरे फादर ने, मेरी मम्मी हिंदी की टीचर हैं, मेरी मम्मी ने, सब ने, परिवार ने ये समझाया कि जिंदगी में है ना, जो आपको मिला ना उसको हमेशा बढ़ा के दो। तो मैं बहुत बार ये सोचता था कि ये प्लेनेट, ये पृथ्वी मुझे मिली है, इतनी खूबसूरत है ये धरती, मतलब मैं बहुत घूमा हूँ, बहुत ट्रैवल किया मैं, तो इसको बढ़ाना हमारा फर्ज बनता है। जो मेरे बाप दादा ने, परिवार ने पेड़ पौधे लगाए होंगे ना कभी, आज वो मुझे ऑक्सीजन दे रहे हैं। यदि आज मैं कुछ करूँगा तो कल मेरे बच्चों को ऑक्सीजन मिलेगी। और यदि मैं सोचता रहूँ कि यार मैं नहीं लगाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई तो लगा रहा है, तो आप यकीन मानना आपको ये सिस्टम अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन समझ में आ जाएगा। जब कोरोना चला था सबको समझ में आ रहा था कि ऑक्सीजन कितनी महंगी है, उसने बहुत कुछ मुफ्त में दिया। तो मुझे लगता है कि मैं, ये जो बातें थी कि मुझे अपने प्लैनेट के लिए कुछ करना है, तो ये मैं पहले अपने दोस्तों में कहता था, फिर स्कूल में कहने लगा, फिर कॉलेज में कहने लगा, लेकिन वहाँ पर कितने लोग होते थे, 10 लोग 15 लोग 20 लोग। मुझे लगा कि ये तादाद कैसे बढ़ेगी लोगों की, कैसे समझा पाऊंगा इनको कि ये पृथ्वी कितनी खूबसूरत है, इसको खूबसूरत बनाओ। तो मुझे लगा मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ से लोग मुझे सुनेंगे, तो और वो एक अभिनेता हो सकता है। तो और उसके बाद धीरे धीरे सोचते 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 मैं सच में आज जीता भी हूँ ना, तो मेरे लिए एक्टिंग ही सब कुछ है। मतलब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, मैं सच बता रहा हूँ, कि मैं उस समय सोच रहा था कि एक आदमी के जब पिता एक्सपायर होते हैं तो उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है। मैं उस लेवल पर चला गया, मेरी समझ में ही नहीं आता, मैं 24 घंटे एक्टिंग में जीता। तो अभिनय मेरी सांस है, एक्चुअली वही मेरा कृष्ण है। सर अभी आपने अभिनय की बात ही की, तो ऐसा बॉलीवुड में अक्सर देखा गया है कि आपने भी मेंशन किया कि वो छतरी लेके आना ये सब, आप इतने बड़े फिल्म में काम कर रहे हैं, तो कभी ऐसा लगा कि वो उन्हें इतना ज़्यादा मिल रहा है, मतलब इतनी सारी चीज़ें उनको ईजिली मिल जा रही है, तो आपको वो चीज़ मिली? ऐसे कुछ लोगों की शिकायतें होती है कि हमें वैनिटी वैन नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ऐसे टाइम पे खाने नहीं मिले, हमें बाहर खाना पड़ता था, उन्हें प्रिंस ट्रीटमेंट दिए गए, तो ऐसा आपने कभी महसूस किया? मैंने कभी महसूस नहीं किया, उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। ये मैंने सुना है जो आप कहते हैं, ये मैं भी सुनता हूँ इस तरह की बातें। पहली बात तो हम जिस सेट की बात कर रहे हैं वो संजय लीला भंसाली जी का सेट है। यदि आप उनकी सिनेमा से परिचित हैं और आपने देखा है उनको, तो आप उनके पूरे फ्रेम में एक छोटी सी खामी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट है। तो उनके सेट पर आप चाहे कितने भी बड़े स्टार हों, चाहे आप नए हों, यदि उन्होंने आपको चूज़ किया है, आप सेट तक पहुँचे हैं, तो उनके लिए आप बिल्कुल बराबर हैं, वहाँ बिल्कुल बराबर का दर्जा है। जो बड़ा स्टार जिसको आप सोचते हैं कि वो बड़ा स्टार, जिसके पास जो सुविधाएँ हैं, वही सुविधाएँ आपके पास भी, तो किसी तरह की कोई तकलीफ होती नहीं। दूसरा, आप बाहर की बात करें, जो मैंने और बहुत सारे काम किए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो,
उसको ये सोचने से पहले कि उसको ये मिल रहा है, उसको ये मिल रहा है, उसको ये मिल रहा है, ये जज करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या आप सच में उसके काबिल हो गए हैं कि वो चीज़ें आपको मिलें, और क्या आप उन चीज़ों के लिए यहाँ आए हैं, आप किस लिए यहाँ आए हैं। तो जिसके लिए आप आए हैं ना, पहले वो कर लेते हैं, जब वो कर लेंगे तो वो सब अपने आप आ जाएगा। तो क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टिंग, अभिनय जो है ना, जब तक धर्म है ना, कोई भी कला जब तक धर्म है तब तक वो कमाल है, जब वो धंधा बन जाती है ना तो खत्म हो जाती है। बहुत सही बात कही आपने। तो पर आज के टाइम पर मैंने देखा है ऐसे कि फिल्म को धंधे की तरह ही देखा गया है आज तक, मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है तो सिर्फ बजट की बात होती है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात होती है, भले फिल्म कितनी अच्छी बुरी कैसी भी हो, लोग बजट पे पहले बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, साल में जितनी फिल्में बनती हैं पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो ओरिजिनल हैं चाहे बॉलीवुड की हैं, क्या सारी फिल्में कमर्शियली हिट होती हैं? नहीं होती हैं। पर हर व्यक्ति बनाने से पहले सोचता है ना कि ये फिल्म जो है ना मैं बना रहा हूँ 2 करोड़ की, 50 करोड़ कमाएगी, सोचता है ना। तो लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन जो इसको धर्म पहले मानता है ना, जो पहले ये सोचता है कि मैं अपना काम करूँगा पहले, जो मेरी शिद्दत है, जो मेरी मोहब्बत है इस आर्ट के प्रति, मैं पहले वो करूँगा, उसके बाद मैजिक होने शुरू होते हैं और वो कमाता है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होती। लेकिन जो पहले सोचता है ना, आप भले ही कितना मान लो इस बात को, जो पहले सोचता है, और आपके पास बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं इस देश में, अभिनेताओं में भी, निर्देशकों में भी, ऐसे बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। आप जब अपने कंटेंट को, अपनी चीज़ों को बहुत बेहतरीन, बड़े प्यार से बनाते हैं ना, हर एक चीज़ की डेस्टिनी है, हर एक चीज़ वहाँ पहुँचती है जहाँ उसे पहुँचना है, समय लगता है पहुँचने में। अब कितनी फिल्में ऐसी हैं यहाँ पर जो मतलब जिनकी कभी पब्लिसिटी भी नहीं होती लेकिन वो हिट होती है, लोग प्यार करते हैं उस सिनेमा को, क्योंकि आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ आपके हाथ में सिनेमा है। तो आप अच्छी चीज़ को नेगलेक्ट कर देंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप सिर्फ कमर्शियल तरीके से उसको बेचना चाहेंगे, लेकिन 25-30 दिन के बाद वो जो ओरिजिनल चीज़ होगी आपके सर पर हावी हो जाएगी और आप खुद तारीफ करने लग जाएंगे, यार ये कमाल है, ये कमाल है, देखो इसे। तो मुझे लगता है कि धर्म पहले है, कमर्शियल सोचने से नहीं होता है, वो हो जाता है, आपका मैजिक क्रिएट करता है उसे। सर अभी रिसेंटली कुछ ऐसी फिल्में रिलीज हुई थी जिनके कंटेंट इतने अच्छे नहीं थे, बट लोगों को पता नहीं क्यों वो फिल्म अच्छी लगी और उसके बजट भी हाई थे। एग्जांपल दूँ, लाइक एनिमल, मतलब अच्छी फिल्म थी, कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक था, बट कहीं लोगों ने, बहुत से बड़े लोगों ने भी इसके कहा कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, इतना चलने लायक नहीं था ये, बट इसे बहुत हाइप बना दिया गया। तो डू यू थिंक दैट कि कुछ ऐसी फिल्में होती है जिसकी हाइप बना दी जाती है भले वो उसका कंटेंट कुछ भी हो? देखिए मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और बाय चांस सामने वाला नॉनवेज खा रहा है, तो जब मैं ये कह सकता हूँ कि वेज खाना ही मेरी उपलब्धि है और वेज खाना ही स्वास्थ्य को सही रखता है क्योंकि मुझे पसंद है, वो मेरा स्वाद है, तो वो भी अपने भोजन के बारे में उतने ही अच्छे तरीके से बोल सकता है कि भैया मुझे नॉन वेज खाना पसंद है, मेरा ये है, तो ये उसका हक है। मैं उसको समझा सकता हूँ अपने भोजन के बारे में, थोप नहीं सकता, क्योंकि उसको किस चीज़ में स्वाद आ रहा है उसका मुझे पता नहीं है, वो उसको स्वाद आ रहा है। तो हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हर एक का स्वाद अलग है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, तो बुरा कुछ नहीं है। मतलब यदि वो एनिमल हिट हुई है, कुछ तो होगा उसमें ऐसा जो अच्छा लगा होगा लोगों, हो सकता है लोग बहुत बहुत दिनों से बोर हो गए हो, बहुत सारा ऐसा सिनेमा देख करके उनको लगा होगा कि चलो इस बहाने में थोड़ा सा खुश तो हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट तो कर रहा हूँ, थोड़ा चिल्ला तो रहा हूँ। और कई बार है ना, मैं सच बताऊँ आपको, जीवन में कई बार इस तरह की आवश्यकता होती है कि आप अपने मन का गुबार गलत तरीके से निकाल पाए। सिनेमा बेसिकली आपको थोड़ी देर के लिए उस दुनिया में ले जाता है जहां आप अपने मन का गुबार निकाल पाते। क्या होता है ना कि एक डायलॉग आता है अच्छा सा, आपको ऑफिस में आपके जो आपका ऑफिस संभालते हैं उन्होंने किसी वजह से डांट दिया, फिर एक किरदार को आप देखते हैं वो भी ऑफिस में बेचारा डांट खा रहा है, पिट रहा है, फिर उसने एक डायलॉग बोल दिया वहाँ पे, तो आप मन में वहीं से सोच के आते हैं साला ये डायलॉग मौका मिलेगा ना मैं बोल दूंगी, है ना। तो वो किस वजह से हिट होता है, वो कोई वजह किसी चीज़ की है नहीं, हर एक का अपना टेस्ट है। तो मुझे लगता है कि यार वो भी एक एंटरटेनमेंट का एक तरीका था, उन्होंने बनाया, और फिलहाल तो मैं उस स्थान पर पहुंचा नहीं हूं जहां उसके बारे में समीक्षा कर पाऊं।
ओके ठीक है, बट आपने बहुत ही अच्छे से इसका एग्जांपल दिया कि ऐसा चीज़ें होती है। मैं जानना चाहूँगी, ये फिल्म की तो बात हो गई, हीरा मंडी की, हीरा मंडी के बाद आपकी कुछ ऐसी कुछ बड़ी फिल्म आने वाली है? फिल्में मेरे लिए सारी बड़ी हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिस टहनी पर बैठा उसे काट रहा हो। हर आदमी अपना बेस्ट करता है, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो या एक्टर हो, कोई भी। तो सारी बेस्ट ही आने वाली है मेरी। हाँ, कुछ एक 3 से 4 प्रोजेक्ट हैं जो इस साल रिलीज़ होंगे, संभावनाएँ हैं। तो उनमें से एक चिड़िया, एक फिल्म है मेरी चिड़िया, जिसमें करीबन करीबन 60 मिनट मैं अकेला हूँ और 1 घंटा 30 मिनट की फिल्म है। ऑलरेडी वो मतलब करीबन करीबन 12-13 अवार्ड जीत चुकी है और बहुत बेहतरीन सिनेमा है वो। उसके अलावा एक फिल्म आ रही है वर्चस्व, जिसमें रवि किशन है, त्रिदा चौधरी हैं, अक्षय उबराय हैं, मैंने नेगेटिव उसमें प्ले किया है। और एक और फिल्म आ रही है कर्मा सूत्र, जो कर्म पर बेस्ड है, जो हम बीज बोते हैं उसका फल कैसे आता है उस पर बेस्ड है। तो ये 3 प्रोजेक्ट अभी लाइनअप हैं जो आएंगे। राइट, अभी आपने कर्मा की बात की, तो आप कर्मा पे कितना बिलीव करते हैं? क्योंकि उसके अलावा, कर्मा के अलावा हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे तो आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि सच ये है कि वही हम कर सकते हैं। और उसको करते हुए हमें बड़ी शिद्दत से, मोहब्बत से, पता है क्या होता है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं ज़िंदगी में, बहुत सारा। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, 20 साल तक तो पढ़ाई करने में वेस्ट कर देता है, वेस्ट ही है वो पढ़ाई करता है। मेरे कभी काम नहीं आया कि लाल किला किसने बनवाया था, ताजमहल किसने बनवाया था। वो पूरी हिस्ट्री जब मैं लाल किला जाता हूँ ना, बोर्ड पे लिखी होती है, मैं पढ़ लेता हूँ वहाँ पे, किसी काम नहीं आया मेरे। रही बात भाषा की, शब्दों की, तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको आई जाती है कि बेसिक शिक्षा से। तो 20 साल वो वेस्ट हुए। उसके बाद प्रेशर घर वालों का, परिवार वालों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, शादी करनी है तो इंजीनियर बनना पड़ेगा बेटा, मतलब इस तरह के प्रेशर, डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो अपने आप को सोचने के लिए पूरी जिंदगी टाइम नहीं मिलता। सब कुछ आप सोचो, पैदा होते ही आप दुनिया की सोच रहे हो, उसी सोच को चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है। जिस दिन आप अपने आप को टाइम देते हो, अपने कर्मा को टाइम देते हो, अभी तो दूसरों के कर्म हम कर रहे हैं, तो आधी जिंदगी सोने में चली जाती है। मान लो 100 साल लाइफ है तो 50 साल तो आप सो गए, क्योंकि सारी रात आप सोते हो, पूरा दिन काम कर, 50 साल तो आप सो गए, बचे 50 साल, जिसमें 20 साल सोचने में चले गए आपके। एक्चुअल टाइम आपके पास 10 साल होता है पूरी जिंदगी का, जिसमें आप वो कर पाते हो जो आपको करना है। तो वो 10 साल अपने जियो, वो अपने कर्म पे इतना बिलीव रखो कि आपको फल, भगवान कृष्ण कहते हैं, और ये बहुत सुंदर बात है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, वो इतनी खूबसूरत बात है, उस बात को समझे नहीं, सबने सुना है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप कर्म करोगे तो आप कर्म का आनंद क्यों नहीं ले रहे, फल का आनंद क्यों ले रहे हो जो मिला ही नहीं है? कर्म का जब आनंद लोगे ना, फल इतना हो जाएगा, सच बता रहा हूं आपको, उसका स्वाद भी नहीं लेना है आपको, आपको कर्म में ही मजा आना शुरू हो जाएगा। तो कर्म का मजा लो यार, कर्म ही सब कुछ है, वही याद रखा जाएगा, फल याद नहीं रखा। मेरे पास कितनी गाड़ी, कितने बंगले, कितना बड़ा घर, कितनी सहूलियत है, ये मेरे मरने के बाद कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन याद रखेंगे अनुज शर्मा, यार अभिनय करता था ना, कमाल करता था यार, वो बात करता था कमाल करता था, वो मेरा कर्म याद रखेंगे, फल याद नहीं रखेंगे। तो कर्म महत्वपूर्ण है। सर इतनी स्पिरिचुअलिटी बात कर रहे हैं ना आप, कि मतलब ये कंटिन्यू करने का मन कर रहा है। एंड व्हाट आई फील कि जैसे आप हैं, अभी मैंने आपको जैसा देखा और सेम वो सीरीज में भी देखने को मिल रहा है। एंड जस्ट विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और श्री कृष्ण आपके साथ रहे हमेशा, यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।